Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get a Date and welcome back to my channel. And yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं HR ऑडिट. Yes, HR ऑडिट क्या होता है? तो चलिए जल्दी से चलते हैं. पहले हम समझ लेंगे कि HR हम जानते ही हैं, ऑडिट क्या होता है. उसके बाद हम देखेंगे HR ऑडिट क्या होता है, उसके बाद कौन कौन से एरियाज ना HR ऑडिट में कवर्ड होते हैं ये देखेंगे. टाइप्स ऑफ HR ऑडिट कौन से हैं? इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट एंड यस एक छोटी सी समरी. तो चलिए सेशन लास्ट तक जरूर देखिएगा. आप लोग कंप्लीट सेशन नहीं देखते हैं क्योंकि जब क्वेरीज आती है मेरे पास डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो साफ पता चलता है कि आपने मेरा पूरा सेशन नहीं देखा है. क्योंकि अगर आप पूरा सेशन देखते तो आपकी क्वेरी अपने आप ही सॉल्व हो गई होती, राइट? सो चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई HR हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. ऑडिट का मतलब क्या होता है? देखिए ऑडिट का जनरल मीनिंग होता है और वो होता है चेक करना, कुछ भी एग्जामिनेशन करना किसी भी चीज का. और ऑफिशियल पर्पस से होता है तो ऑफिशियल एग्जामिनेशन किसी भी चीज का, ऑफिशियल चेकिंग किसी भी चीज. अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है ये हम रिलेट करेंगे HR ऑडिट से. तो HR ऑडिट का मतलब क्या है भाई? कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट या फिर कह सकते हो आप एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस का, प्रैक्टिसेस का, पॉलिसीज का, प्रोसीजर का. तो मेन पर्पस बेसिकली HR ऑडिट को कंडक्ट करने का क्या है? इवेल्युएट करना इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कंप्लायंस एंड यस ओवरऑल अलाइनमेंट HR डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से. तो HR ऑडिट करने के लिए हमें सिस्टमैटिक रिव्यू करना पड़ेगा वेरियस HR एरियाज का, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और कहाँ पे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है? सो बेसिकली एक चेकिंग है, एक ऑफिशियल चेकिंग है जिसमें हम असेसमेंट एनालिसिस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस का, पॉलिसीज का, लीगल लॉज रिक्वायरमेंट्स. तो इसमें कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं? सबसे पहली चीज जो हम इसमें कवर कर रहे हैं वो है कंप्लायंस. कंप्लायंस के बारे में हम क्या चीज रिव्यू करने वाले हैं? हम रिव्यू करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के HR प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज कि क्या वो जो लेबर लॉज, रेगुलेशंस और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं. मीन्स जो लॉज एंड रेगुलेशन हमारी इंडस्ट्री के लिए बनाए गए हैं, जो हमारी कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, क्या वो सारी चीजें फॉलो हो रही हैं? क्या हम कंपनी का टाइमली ऑडिट करा रहे हैं? क्या वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है? या जो लेबर लॉज बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम पेमेंट कर रहे हैं? क्या उसी अकॉर्डिंग हम लीव्स दे रहे हैं? मतलब जितनी भी चीजें लेबर लॉज में लिखी हैं वो कंप्लायंसेस हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, ये कौन कौन से एरियाज में इंक्लूड होंगे? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वेज एंड आर कंप्लायंस, वर्क प्लेस सेफ्टी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज एंड बहुत कुछ. ओके, तो ये सारे कंप्लायंसेस हम चेक करेंगे कि जो कंप्लायंसेस ऑलरेडी जो कि लॉज में लिखा हुआ है वो ही चीजें हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में वही HR प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज बनाई हुई हैं या नहीं बनाई हुई, ठीक है? जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें क्या मेंशन है, उसमें कुछ प्रोविजंस मेंशन है. मिनिमम वेजेस एक्ट के सेशन बने हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की प्लेलिस्ट है, PF एक्ट भी है, वहां से आप चेक कर सकते हैं. पिन कमेंट में मैं दे दूंगी, अगर मिलता है तो सही, अगर नहीं मिलता है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी मांग सकते हैं. ओके, तो अभी मैं बहुत सारे एक्ट्स और भी बनाने वाली हूँ, तो वो सारे एक्ट्स में क्या क्या लिखा हुआ है ये एज पर हम सेक्शंस देखेंगे. ये HR ऑडिट करने के लिए पता होना बहुत जरूरी है. ओके, जब आपको ही कंप्लायंसेस नहीं पता होंगे तो आप चेक क्या करोगे, ठीक है? चेक क्या करवाओगे और क्या करोगे और क्या फॉलो करोगे, ठीक है? सो नेक्स्ट इज पर्सनल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. सी, ऑडिट में हम एग्जामिन कर रहे हैं कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स की, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं और जितने भी और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं. पर्सनल फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन हम क्यों देख रहे हैं? देखिए ये कंप्लीट होनी जरूरी है. एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हमारे पास पूरे होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए. ऐसा ना हो कि हमने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या करा है, अपने खुद साइन कर करा के कॉन्ट्रैक्ट फाइल में लगा दिया कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट. अरे आपने एम्प्लॉय के सिग्नेचर तो लिए नहीं, उसे तो पता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीजें हैं. आप एट द एंड कुछ छह महीने एक साल बाद एक कॉन्ट्रैक्ट लेके उसके सामने आ गए और कह दिया आपने कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये हो गया था, ये आपकी फाइल में लगा हुआ है. कैसे लगा हुआ है? तो वहां पे एक प्रॉपर सिग्नेचर्स हैं, वो सारे सिग्नेचर्स होने चाहिए, वो एज पर लॉ होना चाहिए. ऐसे ही आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा सकते हैं. ओके, प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेंगे, उनके सामने सबमिट करेंगे, वो दोनों साइन करेंगी दोनों पार्टी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है? ऐसे ही परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से, ट्रेनिंग के क्या रिकॉर्ड्स हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या है, कुछ एम्प्लॉयज हैं जो हमेशा कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहे हैं, आपने शो कॉज नोटिस दिए, कुछ लेटर्स इशू करे, कुछ कमिटी फॉर्म हुई, कुछ रिजल्ट आए, उनका कहीं प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, वो सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी है एंड वो पार्ट बनेंगी पर्सनल फाइल्स का एंड ऑडिट का.
नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग प्रैक्टिसेस. नाउ सी, ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट करता है, सिलेक्ट करता है, ऑनबोर्ड करता है न्यू एम्प्लॉइज. इसका असेसमेंट बहुत जरूरी है कि आपका प्रोसेस क्या है, कैसे करते हो. ऐसा तो नहीं है कि कुछ पार्शियल चीजें चल रही हैं, आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि नहीं मुझे यहाँ से लेने ही नहीं एम्प्लॉइज, मुझे मेरा कोई फेयर सिस्टम है ही नहीं, मैं ऑनबोर्ड कैसे कर रहा हूँ एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज को कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं. जब मैं ऑनबोर्ड कर रहा हूँ पहले दिन आके मैंने कह दिया हाँ भाई अब आप या अपना सिस्टम संभालो या अपनी चेयर संभालो, अपना काम करना स्टार्ट कर दो. कोई ऑनबोर्डिंग प्रॉपर है नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है प्रॉपर. तो हमें क्या करना है, हमें ये सारी चीजें चेक करनी होंगी एचआर ऑडिट में. उसके बाद रिव्यू करने होंगे जॉब डिस्क्रिप्शंस. ऐसा तो नहीं है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस में कुछ और लिखा है, काम कुछ और हो रहा है. नाउ यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्यूट हो सकता है, आप ये कह सकते हैं यार काम तुमसे बहुत लिया जाता है. वो काम उसी के ही अकॉर्डिंग लिया जाता है जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं, जिस टाइप के जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं. मतलब अगर उसमें 15-20 पॉइंट्स लिखे हुए तो हो सकता है आपसे 22 पॉइंट्स कराए जा रहे हो, 25 कराए जा रहे हो, लेकिन वो उसी के ही अकॉर्डिंग होंगे. जैसे रिक्रूटमेंट के लिए अगर आपको हायर किया गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्रूटमेंट के ही कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 15-20 पॉइंट्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड आपसे काम करवाया जा रहा है. राइट, ऐसा नहीं है कि है कंप्लीटली प्रोफाइल आपका रिक्रूटमेंट का और आपसे कोई आईटी का काम लिया जा रहा है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के. ठीक है, ऑब्वियसली मतलब अगर ऐसा होगा कि आपको कोई और काम एलोकेट होगा किसी और डिपार्टमेंट का होगा तो आपके पास वो मेल होगी, वो मेल या वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फिर अगेन पार्ट बनेंगे. ठीक है, सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपको ये बताने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है. डिफ्रेंसिएशन मतलब ऑडिट में हम ये चीजें चेक कर रहे हैं कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट चल रही हैं या नहीं चल रही. उसके बाद रिक्रूटमेंट की प्रोसेसेस चेक करना जरूरी है, बैकग्राउंड चेक्स आप कैसे करा रहे हो, एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस हायरिंग प्रोसेस की. नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये सारी चीजें तो हमारी कंपनी में होती नहीं है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एचआर ऑडिट कौन करवाता है, कैसे होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब इसमें क्या है, ऑडिट में इवेल्युएट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स ट्रेन और डेवलप करने के लिए एम्प्लॉइज को. आप एलिगेशन तो सब लगा रहे हो, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं दी है. क्या है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या है, वो रिव्यू करे जाएंगे, ट्रैक की जाएगी एम्प्लॉय की स्किल्स डेवलपमेंट क्या है, असेस करेंगे अलाइनमेंट ऑफ ट्रेनिंग विद बिजनेस नीड्स. ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, बिजनेस से उसका कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है ऑडिट में, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे मैनेज होती है, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, गोल सेटिंग कैसे की जाती है, फीडबैक का प्रोसेस क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये सारी प्रोसेसेस चेक की जाएंगी. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ही तो होंगे, डॉक्यूमेंट ही तो ऑडिट होंगे. आप चाहे किसी से कितना ही पूछ लो, आप एक कंपनी में गए और वहां पे बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, हम ऑडिट के लिए आए हैं, हम क्या लोगों से फेस टू फेस बस कन्वर्सेशन करते रहेंगे, नहीं, वी नीड प्रूफ्स. ऑडिट में वी नीड प्रूफ, हमें कुछ एग्जामिनेशन करना है, हमें तो चेक करना है, तो वी नीड सम डॉक्यूमेंट्स फॉर द राइट. सो दिस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, इन सब पे सेशन बने हुए सेपरेट, वो आप पिन कमेंट से चेक कर सकते हैं. पिंड कमेंट आई होप सो आप समझते हैं, कमेंट में अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहला कमेंट न्यू या टॉप, आप कैसे भी चेक करोगे तो मेरा एक पिंड कमेंट आपको मिलेगा, आप वहां से उसे चेक करोगे तो वहां पे बहुत सारे सेशन मिलेंगे. मेरा इंग्लिश चैनल है उसके भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो प्लीज आप वहां से चेक कर लें. नहीं मिलता है तो आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है देखिए कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स. नाउ सी क्या है, हम कंपनसेशन देते हैं, मतलब हम जो सैलरी देते हैं वो एज पर मार्केट रिसर्च करके देते हैं, बट स्टिल आपने ऐसे ही रफ रख ली है, उसकी जो बेनिफिट्स और हम पैकेज कंपनसेशन दे रहे हैं ना वो फेयर नहीं है, वो कॉम्पिटेटिव नहीं है. आपने एक दो का सर्च करा, ऐसे आपको लगा जो सबसे स्लो पैकेज दे रही है ना कंपनी, मैंने उसके पैकेज उठा लिए. ठीक है, तो वहां पे हमें असेस करना जरूरी है फेयरनेस, कॉम्पिटेटिवनेस कितनी है आप जो पैकेज दे रहे हो, एज वेल एज कंप्लायंस रेगुलेशंस से कि वो रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है विद इक्वल पे, इक्विटी पे से कर रही है, और बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन आप कितने दे रहे हो, एज पर बेसिकली रूल्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. देन इज एम्प्लॉई रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन. नाउ सी एम्प्लॉय रिलेशंस जो कि ग्रीवियंसेस हैं एम्प्लॉयज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में जरूरी है. आप ग्रीवियंसेस को कैसे हैंडल करते हैं, आप क्या सिर्फ सरपास करते रहते हैं, आप कहते हैं यार चलो ये तो चल रहा है ठीक है हो जाएगा सॉर्ट, हो जाएगा सॉर्ट, आप प्रॉपर कंक्लूजन देना ही नहीं चाहते, आप प्रॉपर सॉल्व ही नहीं करना चाहते किसी की प्रॉब्लम. तो एम्प्लॉय रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन. नाउ सी इसीलिए बात की जाती है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल होना चाहिए, इसीलिए एचआर के कुछ एम्प्लॉयज ग्रीवियंस का ही काम करते हैं, तो वो जरूरी है. जहां बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो वहां पे जरूरी है कि एक प्रॉपर ग्रीवियंस का डिपार्टमेंट हो एचआर में ही, विद इन एक सेपरेट सेक्शन हो जिसमें ग्रीवियंसेस हैंडल किए जाए प्रॉपर. ओके, नाउ इसे आप रिलेट भी कर सकते हैं कि बीच में चैट प्रोसेस की जॉब्स आई थी एचआर के प्रोफाइल में, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज का पार्ट थी जहां पे हम ग्रीवियंसेस डिस्कस करते थे.
ग्रीवियंसेस डिस्कस होते थे. ओके, नेक्स्ट इज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. यहाँ पे हम रिव्यू करने वाले हैं एचआर की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को, क्या वो सही हैं, क्या जो कोड ऑफ कंडक्ट है, लीव पॉलिसीज हैं, एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज हैं, यूनिफॉर्म पॉलिसी बना दी, पार्किंग पॉलिसी बना दी, लंच पॉलिसी बना दी, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, वो सारी पॉलिसीज क्या एज पर प्रोसीजर्स हैं, एज पर रूल्स हैं, यही हमें यहाँ पे चेक करना है. यहाँ पे हम जनरल पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं. ऊपर हमने स्पेसिफिकली हर जगह बात करी एज पर रूल्स, एज पर रूल्स, उस रूल के अकॉर्डिंग जो जिसका रूल बना हुआ है. यहाँ पे हम जितनी भी पॉलिसीज हैं उनकी बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज टर्मिनेशन एंड सेपरेशन प्रैक्टिसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टर्मिनेशन आप कैसे कर रहे हो किसी भी एम्प्लॉय का, कोई भी बात हुई, कुछ भी हुई, किसी को टर्मिनेशन आपने इशू कर दिया, नहीं, आप कैसे एग्जिट इंटरव्यूज कराते हो, एग्जिट इंटरव्यूज का कैसे प्रोसेस है, क्या प्रोसेस बनाया हुआ आपने, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, कंप्लायंस है क्या टर्मिनेशन लॉज की, क्या आप जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं, क्या आप इंडस्ट्रीज एक्ट को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं इस केसेस में, राइट. नेक्स्ट इज एचआर मैट्रिक्स या फिर एनालिटिक्स. नाउ सी, यहाँ पे फोकस होता है ऑडिट का मेजर करने में एचआर रिलेटेड मैट्रिक्स. जो हम डेटा यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, और उससे हम जो डिसीजन ले रहे हैं एचआर डिपार्टमेंट के, वो किस तरह से लिए जा रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स का एक्चुअली में हम यूज कैसे कर रहे हैं. नाउ ऑब्वियसली एनालिटिक्स एंड मैट्रिक्स अभी कुछ सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, ये पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करता था. ओके, सो प्रॉपर एनालिटिक्स की नॉलेज होना, प्रॉपर मैट्रिक्स की नॉलेज होना एचआर ऑडिट में बहुत जरूरी है. अगर आप एचआर ऑडिट करने वाले हैं तो मैट्रिक्स की और एनालिटिक्स की प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है. तो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, इस पर एक प्रॉपर सेशन बना हुआ है जिसमें मैंने कुछ अराउंड 10-12 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, आपको वो भी पिन कमेंट में से मिल जाएगा, राइट. सो अगर आपको इन सब चीजों के ऊपर नॉलेज नहीं है तो आप कैसे ऑडिट करो, राइट, और आप अपनी कंपनी का ऑडिट कैसे करवाओगे कि बेसिकली ऑडिट में चेक क्या करना होता है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ एचआर ऑडिट में. दो तरीके के ऑडिट होते हैं, इस पे स्पेशली मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था. फर्स्ट इज इंटरनल ऑडिट, सेकंड इज एक्सटर्नल. नाम से ही पता चल रहा है भाई इंटरनल एचआर ऑडिट क्या होगा और एक्सटर्नल एचआर ऑडिट क्या होगा. टू डिफरेंट अप्रोचेस हैं कंडक्ट करने की ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट एक ऑर्गेनाइजेशन में, और इन दोनों में सिंपल सा एक डिफरेंस है कि कौन ऑडिट कर रहा है, इसके बेसिस पे ये इंटरनल और एक्सटर्नल है. और फोकस क्या है ऑडिट के प्रोसेस का, इंटरनली कौन कर रहा है ऑडिट और फोकस क्या है, ये दो चीजों के बेसिस पे हमारा इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट डिफर करेगा. तो इंटरनल ऑडिट क्या है भाई, जो कि हमारा ओन एचआर डिपार्टमेंट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में ही. इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑडिट का प्रोसेस है वो मैनेज और एग्जीक्यूट हो रहा है किसके थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कि एचआर डिपार्टमेंट है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का एचआर डिपार्टमेंट है. पर्पस क्या हुआ इस इंटरनल ऑडिट का, असेस करना, इंप्रूव करना इंटरनल एचआर प्रोसेसेस, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस. क्यों, क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स सब कुछ बनाए हुए हैं, लेकिन जब तक मैं उन्हें प्रॉपर चेक नहीं करूंगी इस तरीके से कि कोई और चेक कर रहा है, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे लगेगा मैंने बनाया सब कुछ ठीक है. तो ये भी हो सकता है जैसे मेरा एचआर डिपार्टमेंट है जिसमें 20 पीपल आ गए, तो 20 पीपल में से मैंने कोई भी 2 या 3 लोग चूज कर लिए ऑडिट करने के लिए सेपरेटली, जो कि क्या करेंगे, असेस करेंगे, जिससे हम इंप्रूव कर पाएंगे अपनी इंटरनल एचआर प्रोसेसेस को, पॉलिसीज को, प्रैक्टिसेस को. अब बेनिफिट क्या होगा इंटरनल ऑडिट का, सी इंटरनल ऑडिट कौन कर रहा है, हमारे एचआर डिपार्टमेंट से हो रहा है. तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर प्रोसेसेस की फेमिलियरिटी है, मैं जानती हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर प्रोसेसेस क्या है, तो इजी होगा मेरे लिए ऑडिट करना, इजियर एक्सेस है इंटरनल इंफॉर्मेशन और डेटा की. बाहर से कोई आएगा तो उसको थोड़ा एफर्ट लगेगा चीजों को निकलवाने में, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कहाँ से मुझे क्या चीज चेक करनी है. प्रमोट करता है ये सेल्फ असेसमेंट के कल्चर को और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को, कंटिन्यूसली हम इंप्रूव कर पाएंगे. चेकिंग चल रही है, हमें बता दिया क्या कि भाई आप चेक करो, कुछ चीजें चेंजेस करनी है तो हो जाएंगी. क्या होता है, हर किसी को लगता है यार मेरा काम कोई चेक करेगा, मेरा कहीं काम कोई और दूसरा चेक करेगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा मुझे, यू नो, मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट होगी और शो कॉज नोटिस ना हो जाए, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं जब कोई और हमारा काम चेक करता है. यहाँ पे अब हमारा क्या फोकस है, यार मैंने ये पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिस बनाई हुई है, इनमें कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, इनमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ गड़बड़ आ रही है, तो यार ठीक है एक प्रोसेस हम कर रहे हैं और उसमें जो फाइंडिंग्स होंगी वो हम बताएंगे और फिर हम चेंजेस कर सकते हैं इंटरनली. कहीं ना कहीं मैं सेफ फील कर रही हूँ, एचआर भी सेफ फील कर रहे हैं. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस क्या है भाई, देखिए ऑब्वियसली बायसनेस हो सकती है, यहाँ पे लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है इवैल्यूएट करने में एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस. क्या मतलब इस बात का, बायसनेस तो ऑब्वियसली समझ में आ रही है, मुझे पता है कहाँ गलती है, मैंने छुपा ली, ठीक है. लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ ये है कि यार बस चलो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है मैं ऑडिट दिखा दूं, सब सही है, सब सही है, सब सही है, ऑब्जेक्टिव मेरा वो नहीं है फाइंड करना एरर या फिर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट फाइंड करना, ये हो सकता है, बहुत जरूरी है, मतलब बहुत चांसेस हैं एक्चुअली. उसके बाद लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मुझे सब पता है, फेमिलियरिटी है करंट प्रोसेसेस से, मुझे पता है यार
देखो मेरे ये 5 प्रोसेस चल रहे हैं, ट्रेनिंग चल रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, पेरोल, ये सब सही चल रहा है। मैंने क्या करा, लिमिटेड पर्सपेक्टिव से मैं कर रही हूँ इस काम। प्रोसेसेस तो मुझे सारी पता है, अरे यार चल ये दिखा दूँ फॉर्मेलिटी से, ये दिखा दूँ, ये चेक हो गया, ठीक है। लास्ट सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप कैच ही ना कर पाओ सर्टेन कंप्लायंस या फिर रेगुलेटरी इश्यूज इंटरनल बायसनेस की वजह से, क्योंकि इंटरनल बायसनेस इतनी ज्यादा है यार, मुझे नहीं बताना, हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, गलती नहीं बतानी, छुपा लेनी है, तो फिर जो कंप्लायंस है यार उसको थोड़ा साइड में करो, ऐसे ही होता है कंपनी में, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस हो सकती है। अब आते हैं एक्सटर्नल ऑडिट पे। सी एक्सटर्नल ऑडिट क्या है भाई, थर्ड पार्टी प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, कंसल्टिंग फर्म्स कर रही हैं जो स्पेशलाइज हैं एचआर ऑडिट पर, उन्हें पता है कहाँ गलती हो सकती है। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं ये एफिलिएटेड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से उनका कोई लिंक नहीं, इंडिपेंडेंट असेसमेंट करने वाले हैं ये एचआर फंक्शंस का। पर्पस क्या होगा इसका, ऑब्वियसली अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। मुझे ऑर्गेनाइजेशन की जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ बता नहीं रहे, इंटरनल ऑडिटर्स में कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर आई तो वो इतनी मिनिमम थी, और जबकि मुझे लग रहा है बहुत सारी गड़बड़ चल रही है। तो अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, मैंने बता के भेजा है कि भाई ये वाली गलती मुझे लग रही है, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, ऑब्वियसली इम्पार्शियल पर्सपेक्टिव है, अनबायस्ड इवैल्यूएशन, बिल्कुल जो वहां पे बेनिफिट था, जो वहां पे लिमिटेशन थी वो यहाँ पे बेनिफिट बन जाएगी। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स, पोटेंशियल इश्यूज जो कि इंटरनल टीम मिस कर रही है, जान के भी कर रही है और ना जान के भी कर रही है। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज मिल रही है मुझे, प्रोफेशनल्स जो हैं एक्सपीरियंस्ड हैं एचआर ऑडिट्स में, उन्हें पता है कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रही है, मुझे स्पेशलाइज एक्सपर्टीज मिल रही है। लिमिटेशंस क्या है, क्या कोई लिमिटेशंस होंगी, बिल्कुल होंगी भाई, ज्यादा टाइम लगेगा इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, अंडरस्टैंड करने में ऑर्गेनाइजेशंस के कंटेक्स्ट को, ज्यादा लॉन्गर टाइम, एक्सपेंसिव हो सकता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स। मैंने हायर करी है कंसल्टिंग फर्म, ऑब्वियसली यहाँ एचआर डिपार्टमेंट में जो मैं डेली में सैलरी दे रहा हूँ उसी से मैंने एचआर ऑडिट करा लिया था, बाहर क्या करा मैंने, पेमेंट करा, ऑब्वियसली तभी होगा वो काम। उसके बाद लास्ट भाई चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, अंडरस्टैंड करने में ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक कल्चर एंड डायनेमिक्स, आप एचआर से पूछ रहे हो, वहां के डिपार्टमेंट से पूछ रहे हो, वो हाइड कर रहे हैं चीजें, उन्हें पता है, और एक्सटर्नल वाला उतनी अंदर डिटेल में नहीं घुस पा रहा, चीजें पता ही नहीं चल पा रही, मतलब हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने में, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें इसको अगर समराइज करें तो देखिए बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स ना अपना अपना पर्पस सर्व करते हैं, वैल्यूएबल हैं दोनों ही। ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करती है बेस्ट जो कि हमारी नीड्स और गोल्स को करता है, मतलब अगर मुझे सिर्फ अंदर कुछ चेक करना है कि ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है, एक बार कर लो, मेरी टीम अच्छी है, अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो वो मुझे बता देगी, तो ये कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बोथ कराती है कि भाई चलो इंटरनल ऑडिट एक बार करा लिया, फिर उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट भी, जिससे कि जो मेजर इश्यूज है ना वो आइडेंटिफाई करा लो, क्योंकि इंटरनल ऑडिट से क्या हो रहा है, हम ऑन गोइंग इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत चल रहे हैं, पता चल रहे हैं। तो चॉइस इन दोनों के बीच में किस पे डिपेंड करेगी, कौन से फैक्टर्स पे, ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे, रिसोर्सेज पे, डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, क्या मैं ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है इस ऑडिट से, मेरा क्या डिजायर कर रही हूँ, सिर्फ मुझे कुछ प्रोसेसेस इंप्रूव करनी है, मुझे कुछ मेजर लेवल पे इश्यूज ट्रेस करने हैं, या कुछ स्पेसिफिक गोल्स है इस ऑडिट के, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट, इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हेल्पफुल तो भी जरूर बताएं क्योंकि कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्वेरीज है तो भी जरूर बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।